दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सैटेलाइट डीवी मीटर की सहायता से डिश टीवी को सेट करके बताने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने डिश को बिल्कुल डिस्टर्ब कर रखा है, बिल्कुल आउटसाइड मैंने इसको घुमा रखा है और मैं इसको काफ़ी आगे ले जा चुका हूं। डिश को एयरटेल से भी मैं आगे ले गया हूँ जहाँ पर किसी भी सैटेलाइट का सिग्नल हमको 2 फीट की डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये मीटर है सैटेलाइट डीवी मीटर, इसी सैटेलाइट डीवी मीटर का यूज़ करके दोस्तों मैं आज को आपको डिश टीवी को सेट करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे सिग्नल हमको मिल जाता है यहाँ पर डीवी गेन बढ़ जाता है और इसकी सुई जो आगे बढ़ जाती है। तो अब दोस्तों मैं इसका कनेक्शन आपको बता देता हूँ, LNB की पोजीशन बता देता हूँ कि किस तरीके से हमको LNB को रखना है और किस तरीके से यहाँ पे मीटर का कनेक्शन हमको करना होगा। तो जिस प्रकार से DD फ्रिज में हम रखते हैं LNB की पोजीशन, उसी तरीके से हमको यहाँ पर LNB की पोजीशन रखनी है। हल्का सा इस वायर को हमें ऊपर की तरफ उठा के रखना पड़ता है लेफ्ट साइड में। और दोस्तों इस प्रकार से हमें LNB का पोजीशन करने के बाद में जो केबल हमारी सेटअप बॉक्स से यहाँ से आ रही थी उसको हमें खोलना होगा और यहाँ पर दूसरी केबल हमको जोड़नी पड़ेगी, टुकड़ा जोड़ना पड़ेगा जो कि हमें मीटर में जोड़ना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दूसरा टुकड़ा ले रखा है और इस मीटर में मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है। तो इस मीटर में दोस्तों दो छोर होते हैं, एक तरफ सैटेलाइट लिखा रहता है, दूसरी तरफ रिसीवर लिखा रहता है। तो जहाँ पर सैटेलाइट लिखा रहता है उस छोर को हमें केबल के टुकड़े के द्वारा LNB के साथ जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पर सैटेलाइट लिखा है तो मैंने एक टुकड़ा लिया है और इसको मैंने LNB के साथ जोड़ लिया है। उसके बाद में दोस्तों दूसरी तरफ जो छोर होता है वहाँ पे रिसीवर लिखा रहता है, तो उस छोर को हमें जो है हमारे सेटअप बॉक्स के जोड़ना होता है। तो अगर आपने टीवी वगैरह सेटअप बॉक्स छत पे नहीं लेकर के आते हैं तो आपको जो केबल का टुकड़ा जो LNB से खोला था जो रिसीवर से आ रहा है उसको यहाँ पर जोड़ देना है। और अगर आप TV वगैरह सेटअप बॉक्स छत पर लेकर आते हो तो आपको दूसरा केबल का टुकड़ा लेना है और यहाँ पर जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर TV वगैरह सेटअप बॉक्स ऊपर लेके आया हूँ तो उस दूसरे वाले केबल के टुकड़े को मैंने यहाँ पर जोड़ा है और उसको सेटअप बॉक्स के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों सैटेलाइट डीवी मीटर का कनेक्शन होता है। इसमें दो छोर होते हैं, एक तरफ का छोर जो सैटेलाइट वाला है वो LNB पे जुड़ता है और रिसीवर वाला जो है रिसीवर पे जुड़ जाता है। बस इसके बाद में दोस्तों इस मीटर का हमें थोड़ा सा गेन बढ़ा के रखना पड़ता है हल्का सा। तो इसके लिए यहाँ पर इसके अंदर पोर्ट होता है तो इस पोर्ट के द्वारा हल्का सा इसका गेन हमको बढ़ा देना है। जैसे दोस्तों हमको किसी सैटेलाइट का यहाँ पर सिग्नल मिलता है तो इसकी सुई ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर बीप की आवाज़ भी बढ़ जाती है। तो ये छोटा सा मीटर है, काफ़ी काम का है, इस तरीके का मीटर आपको रखना चाहिए अगर आप डिश वगैरह सेट करते हो। तो नहीं भी करते हो तो भी अपनी घर की डिश को सेट करने के लिए इस तरीके का मीटर आपको ले लेना चाहिए, 200-300 रुपये में आराम से मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो मैंने आप देख सकते हैं डिश को बिल्कुल आउटसाइड मैंने घुमा रखा है जहाँ पर किसी भी सैटेलाइट का यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता है, उस तरफ मैंने इसको घुमा दिया है और वहाँ से मैं घुमाना प्रारंभ करूँगा डिश को ऊपर नीचे और फिर राइट साइड में मैं धीरे धीरे डिश को लेकर के आऊँगा और आपको प्रत्येक सैटेलाइट के बारे में बताऊँगा कि कौन सा सैटेलाइट कहाँ पर हमको मिलता है और हमें आज के वीडियो में डिश टीवी को सेट करके यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमको डिश घुमाते हैं तो एयरटेल का सिग्नल हमको यहाँ पर मिलता है 108.2 डिग्री पे। उसके बाद में डिश को और घुमाना हल्का सा तो हमें यहाँ पे डिश टीवी का दोस्तों यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है 95 डिग्री ईस्ट में। तो यहाँ पे डिश को हल्का सा घुमाते हैं तो यहाँ पर बीप की ऑटोमेटिकली आवाज़ बढ़ जाएगी और यहाँ पे सुई आगे बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर डिश टीवी का सिग्नल बहुत आसानी से मिल गया है और टीवी में भी दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे सिग्नल यहाँ पर मिल चुका है। अब डिश को थोड़ा सा हल्का टाइट कर देना है ताकि डिश हिले नहीं। उसके बाद में दोस्तों हमको जो है नीचे चलना है हमारे सेटअप बॉक्स में और जो है वहाँ पे डिश टीवी का सेटअप बॉक्स लगा करके आप जो है डिश टीवी के चैनल को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे DD फ्रिज का यूज़ किया है सिग्नल लाने के लिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैंने डिश टीवी की लगा रखी है। आपको यहाँ पे डिश टीवी का सेटअप बॉक्स लगाना है और डिश टीवी के सारे चैनल दोस्तों आप उसके बाद देख पाओगे। तो इस प्रकार आप दोस्तों DD फ्रिज के सेटअप बॉक्स के द्वारा भी डिश टीवी का सिग्नल आसानी से ला सकते हैं सैटेलाइट डीवी मीटर का यूज करके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो हैं DTS संबंधित वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।